ऑल राइट, तो क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का MFA फ्लोइन के एक और वीडियो में। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिल्वर सफर लेवल 80 को टेस्ट किया था विद द ब्रिलियंट अथॉरिटी इन टैमलिन बैटल, एंड नाउ आज के इस वीडियो में हम उसको T4 पे टेस्ट करेंगे इन टैमलिन बैटल। तो आप लोग उसका स्लैटली बिल्ड देख सकते हो, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा मैंने, एंड आई एम यूजिंग कार्टेक 1 फॉर द PVP। उसको कुछ ओडिन ब्लेसिंग मैंने दिए, थोड़ा सा और उसको चेंज करूँगा मैं बाद में, एंड सारे स्किल मैक्स थे, एंड आई एम यूजिंग स्ट्राइकर एज स्पाइडरमैन। इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 80% एंड रिकवरी ऑफ 13% ऑफ HP। सो ये इसके T4 स्किल में, एंड अनकिलेबल अनब्रेकेबल स्किल नंबर 3 इज अगेन हियर टू सेव हिम। सो स्किल नंबर 3 के बारे में भी हम आराम से बात करेंगे, एंड ISO 8 की बात करूँ तो मैं प्रोटेक्ट द कैप्टन यूज़ करता हूँ फॉर द अनाइस कॉन्क्वेस्ट एंड टैमलिन बैटल, एंड दूसरा है ओवरड्राइव फॉर द PPE। एंड सिल्वर सफर का आर्टिफैक्ट है जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट विल हेल्प हिम सम हाउ समवेयर, बट मैंडेटरी नहीं है उस। अगर आपके पास में उसका आर्टिफैक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बिना आर्टिफैक्ट के भी ये वर्क करेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एंड आई एम यूजिंग ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट ऑन सिल्वर सफर। अब ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में भी आपको आराम से बताऊँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो मेरे पास में अभी ब्रिलियंट क्रीट है, ब्रिलियंट रीजनरेशन है, एंड ब्रिलियंट ट्रांसेंडेंस है, एंड ऑल्सो ब्रिलियंट अथॉरिटी है। तो 4 CTP मेरे पास में ब्रिलियंट है। मैंने अपने वीडियो में ब्रिलियंट अथॉरिटी साल्स को टेस्ट करा था, तो अगर आप लोगों ने उसको चेकआउट नहीं करा तो जाके चेकआउट करो यार अभी। यूनिफॉर्म ऑप्शन सारे अवेलेबल है मेरे पास में, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो ब्लॉक हो। एंड आफ्टर दैट लेट मी शो यू माई कार्टेक। सो आई विल बी यूजिंग कार्टेक 1। 96% ऑफ मैक्स HP थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि मैंने चेंजेस करे थे कुछ, एंड PS 25% है मेरे पास। सो विदाउट फिजिकल नाइन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई एम यूजिंग लीड ऑफ गौर एंड सपोर्ट पे एजेंट मैनम एंड T4 सिल्वर सफर, एंड अगेंस्ट पे T4 सिल्वर सफर स्पाइडी एंड एडम होलॉक। सो सिल्वर सफर, अगर सिल्वर सफर के अगेंस्ट आएगा तो रिफ्लेक्ट की वजह से दोनों में से कोई ना कोई तो हारेगा ही हारेगा, ये रूल है, ये गोल्डन रूल है ये। ओके, यहाँ पर स्पाइडरमैन ने सिल्वर सफर को मार दिया था, पहले वो आधा मर गया था बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्ट ऑफ सिल्वर सफर, एंड नाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट टीम। आई एम गोइंग विद सिल्वर सफर लीड, कोलोसी सपोर्ट एंड स्पाइडरमैन। मैंने सोचा क्या चलो थोड़ा सा डिफरेंट टीम हम यूज करें, एंड आई थिंक दिस टीम ऑल्सो लुक्स गुड। आई मीन अगर मैं स्पाइडरमैन के प्लेस पे कोई और सपोर्ट यूज करूँ, इफ आई गो विद द डबल सपोर्ट देन इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर हिम, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके पास में सिल्वर सफर T4 पे, देन यू डोंट नीड एनीवन एल्स एज ए डीलर। अगर आप डबल सपोर्ट के साथ जा रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी, बट देर इज वन डिसएडवांटेज दैट इज रिफ्लेक्ट। अगर सिल्वर सफर के अगेंस्ट सिल्वर सफर रहेगा या फिर वो कैरेक्टर रहेगा जो रिफ्लेक्ट अटैक्स एनर्जी अटैक को रिफ्लेक्ट करे, तो उस केस में सिल्वर सफर डाउन हो सकता है। सो आपको उस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप टैमलिन बैटल में खेल रहे हो तो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में वही हो रहा है, रिफ्लेक्ट की वजह से ही सिल्वर सफर मर रहा है। बाकी आई डोंट थिंक जो कि एज सच कोई और दूसरी दिक्कत आ रही थी कि सिल्वर सफर मरे, बट मैक्सिमम केसेस में सिल्वर सफर ही जीत रहा था मेरा। सो आई थिंक सिल्वर सफर इज़ नाउ गुड मेटा एंड इज वर्थ टू बिल्ड, एंड या आई नो मैं ब्रिलियंट कॉन्क्वेस्ट के साथ जा रहा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्क्वेस्ट इज़ नॉट अ फ्री CTP like rage, like regeneration, like authority. I know that we can only get conquest from the chest, but agar net marble isko future mein free kare to wo bahut zyada acha hoga. Okay, kill crit. So HP bahut kam hai, and look Adam ne yahan pe reflect kara, uske energy attacks bhi reflect ho rahe, to us reflect ki wajah se silver surfer ne apni jaan gawai, बट आफ्टर दैट जब उसकी सेकेंड लाइफ आई तब उसने सिल्वर सफर की जान ले ली। एंड ट्रस्ट मी अगर उसका थर्ड स्किल अवेलेबल होगा
और सामने अगर कैरेक्टर T4 पे चार्ज करा उसके ऊपर, तो आराम से सामने वाला कैरेक्टर मर जाएगा, क्योंकि थर्ड स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा ओवर हाइप्ड है वो, कि यू कांट कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम द थर्ड स्किल। सो आई थिंक थर्ड स्किल में बहुत ज़्यादा डैमेज है एंड रिफ्लक्स तो भर भर के है। दैट इज़ द रीज़न वाई इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड कि थर्ड स्किल इज अनकिलेबल अनब्रेकेबल। बट जैसे जैसे मैं गेम खेल रहा था, आगे आगे मुझे कुछ चीज़ दिखी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सिल्वर सफर एक ही इंसान से थोड़ा सा डरता है, वो है वुल्वरिन। तो अगर आपके पास में वुल्वरिन T4 पे और सामने सिल्वर सफर है T4 पे या लेवल 80 पे, देन यू शुड यूज वुल्वरिन टू किल सिल्वर सफर, क्योंकि वुल्वरिन सबसे पहले एक फिजिकल डैमेज कैरेक्टर है, जो फिजिकल अटैक वाला कैरेक्टर है वो, एंड उसके ऊपर रिफ्लेक्ट काम नहीं करेगा। एनर्जी अटैक वाले रिफ्लेक्ट कैरेक्टर के ऊपर ही रिफ्लेक्ट काम करेगा, एंड यहाँ पर वुल्वरिन के पास में एक एडवांटेज है। तो अगर आपके पास में वुल्वरिन का आर्टिफैक्ट है एंड यू हैव अथॉरिटी और ग्रीड, देन यू शुड बिल्ड वुल्वरिन ऑल्सो टू काउंटर सिल्वर सफर। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में अगर मैं ये रन में भी देखूँ तो यहाँ पर वुल्वरिन के अगेंस्ट अगर मैं खेलूँगा रन ये, देन यू गाइस विल गेट टू नो कि क्या सही है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वुल्वरिन ने इजीली सिल्वर सफर को मार दिया, जो कि दूसरे कैरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज टीम, लेट्स गो विद अ डिफरेंट टीम, एंड आई एम थिंकिंग टू गो विद अ डबल सपोर्ट, लेट्स यूज दिस। ओके, सो आई एम यूजिंग सिल्वर सफर लीड एंड डबल सपोर्ट पे कोलोसिस एंड एजेंट वेनम। सो इन दोनों का कनेक्शन सिल्वर सफर से क्या है, स्पेशली एजेंट वेनम का सिल्वर सफर के साथ क्या कनेक्शन है, उसके बाद भी मैं आराम से करूँगा इस वीडियो में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो सारी चीज़ों का, सारे सवालों का आपको आंसर मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट टिल नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड या यू विल गेट टू नो कि कौन से कैरेक्टर के अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए टू एज इन द टाइमलाइन बैटल। फर्स्ट थिंग इज यू शुड नेवर यूज सिल्वर सफर अगेंस्ट सिल्वर सफर। सो मैक्सिमम प्लेयर क्या करता है कि सिल्वर सफर अगर है टीम में तो चलो भाई मैं सिल्वर सफर यूज़ करता हूँ, उसका वाले सी 1180 पे लेकिन मेरा T4 पे तो मैं आराम से जीत जाऊँगा। तो ये वाली मिस्टेक कभी नहीं करना चाहिए। सिल्वर सफर के अगेंस्ट कभी भी सिल्वर सफर को यूज़ मत करो, क्योंकि इन दोनों में से क्या पता कौन सा वाला मरे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्ट। तो ये वाली चीज़ हमेशा आप स्किप करो। एंड नाउ यू गाइस विल थिंक हियर, अगर सामने वाली टीम में सिल्वर सफर है तो मैं क्या करूँ? तो उसके कुछ काउंटर्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले द फर्स्ट एंड बेस्ट काउंटर इज वुल्वरिन, आफ्टर दैट मेंडले प्रायर। सो ये दोनों काउंटर ऐसे हैं जो सिल्वर सफर को आराम से किल कर सकते हैं एंड उसको आराम से डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक और कैरेक्टर है जो सिल्वर सफर को डाउन कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वो डालेगा। यू कैन यूज़ डिस्ट्रॉयर, बट यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है, अगर आप डिस्ट्रॉयर यूज़ करो देन यू शुड हैव हिज आर्टिफैक्ट। अगर आपके पास में डिस्ट्रॉयर का आर्टिफैक्ट है देन इन दैट केस यू हैव टू यूज डिस्ट्रॉयर अगेंस्ट सिल्वर सफर, अदरवाइज 100% स्किप टू यूज डिस्ट्रॉयर अगेंस्ट सिल्वर सफर। एंड जीन ग्रे के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो सिल्वर सफर को लेके, देन यू कैन गो, क्योंकि यार जिन ग्रे को भी बहुत टाइम हो गया उसको T4 मिले, एंड उससे भी अच्छे अच्छे T4 कैरेक्टर हमारे पास में है। ओके, ये रन थोड़ा सा बहुत मजाक वाला था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये कि एजेंट वेनम के अगेंस्ट गौर, एजेंट वेनम आराम से गौर को हरा रहा था, तो मैं थोड़ा सदमे में आ गया, भाई ये क्या हो रहा है। मैं गया था रिकॉर्ड करने सिल्वर सफर का वीडियो, बट एजेंट वेनम फुटेज खा रहा है हमेशा, और यहाँ पर सिल्वर सफर T4 अगेंस्ट वुल्वरिन और 1180 वाला सिल्वर सफर भी अवेलेबल है, एंड आई थिंक यार एनफ वालों को आराम से मार पा रहा है। अगेन वही चीज़ आ जाती है रिफ्लेक्ट की,
तो रिफ्लेक्ट कैरेक्टर के अगेंस्ट अगर आप रिफ्लेक्ट कैरेक्टर को यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर टीम यूज़ कर रहे हो एंड आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी करना। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी व्हाइल प्लेइंग टाइमलाइन बैटल। एंड यहाँ पर एक बहुत ही गजब और अच्छी टीम मुझे मिली है जहाँ पर मेरी टीम और उसकी टीम सेम है सामने वाले की, बट यहाँ पर सामने वाले ने सिल्वर सफर को पहले एज अ डीलर यूज़ करा है बट मैंने सिल्वर सफर को एज अ लास्ट डीलर यूज़ करा। तो यूजिंग सिल्वर सफर एट लास्ट और यूजिंग सिल्वर सफर एट स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच में एक युद्ध जैसा आप बोल सकते हो, एक फाइट हो सकती है। तो यू गाइस विल गेट टू नो कि क्या प्रॉपर सही है आखिरी में यूज़ करना या फिर स्टार्टिंग में। तो इन माई ओपिनियन यू शुड यूज़ सिल्वर सफर एट लास्ट, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में उसको यूज़ करोगे तो उसकी स्किल्स कूल डाउन नहीं होते आराम से, बट अगर आप उसको लास्ट में यूज़ करोगे तो उसकी स्किल कूल डाउन हो जाएगी कुछ हद तक, क्योंकि स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर अराउंड 10 सेकेंड्स तो कंज्यूम कर लेते हैं एंड तब तक उसकी स्किल कूल डाउन हो जाती है। एंड नाउ एजेंट वैनम की मैं सपोर्ट लेके क्यों गया, बिकॉज ऑफ दिस। मेरे पास में एजेंट वैनम का आर्टिफैक्ट है जो आर्टिफैक्ट अप्लाई होता है सिम्बियोट एनालाइज को। तो अगर आपके पास में एजेंट वैनम है एंड उसका आर्टिफैक्ट है, देन यू शुड बिल्ड एंड परचेज हिज यूनिफॉर्म। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म इफेक्ट में भी सिम्बियोट एनालाइज को अप्लाई होता है उसका पैसिव, सो यूनिफॉर्म ऑप्शन सॉरी। तो यू शुड यूज एजेंट वैनम एज अ सपोर्ट फॉर द सिल्वर सफर, एंड सिल्वर सफर इज अ सिम्बियोट टाइप कैरेक्टर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्केस्ट। सो ब्रेनन कॉन्केस्ट क्यों यूज़ कर रहा था मैं, अब आपको मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा अच्छे से बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इसके जो स्टेट है इसमें सबसे पहले वॉल और क्लैश। अब सबसे पहले मैं क्लैश की बात करता हूँ, क्लैश क्या करता है एक्चुअली काम। सो क्लैश ग्रांट गार्ड ब्रेक एंड सुपर गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी एंड एनिमी रिफ्लेक्ट डैमेज अफेक्ट इम्यूनिटी वैन यूज। सो बेसिक डैमेज जो भी डील होता है एनिमी का उसको ये रिफ्लेक्ट करता है एंड इट प्रोवाइड गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी टू योर कैरेक्टर अगेंस्ट द एनिमी अटैक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक पीवीपी कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हो इन द टाइमलाइन बैटल। एंड वॉल भी कुछ हद तक सेम वही इफेक्ट देता है। सो ओवरऑल यार अगर मैं सिल्वर सफर की बात करूँ, देन आई थिंक यू शुड बिल्ड सिल्वर सफर इन योर अकाउंट एंड इज मस्ट buy character if you don't have and must buy uniform। And इसका T3 animation हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। So yes guys, that's it, that's all for today and that's all from my side। आप लोगों को ये review video कैसा लगा मुझे comment करके बताओ। And yes, one more thing, मैंने एक Discord server बनाया जहाँ पर अभी giveaway हो रहा है, चालू हो चुका है आज से। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग उसको ज्वाइन करो एंड पार्टिसिपेट करो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो फटाफट।